वेलकम टू द चैनल आरबी फैंटेसी 7। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले वुमेंस एनबीए का जो मैच खेला जाने वाला है, न्यूयॉर्क लिबर्टी वर्सेस लॉस वेगस साइज के बीच में। सेम डे और एक मैच खेला जाने वाला है WNBA का, मिनेसोटा वर्सेस कनेक्टिकट्स के बीच में। इस मैचेस की शायद आपको वीडियो ना मिलेंगे, लेकिन फाइनल टीम और फाइनल अपडेट जो आपको मिलेंगी वो मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिलेंगी कहाँ, कमेंट बॉक्स में जाकर चेकआउट कर लेना कमेंट बॉक्स, और सीधा लिंक पर क्लिक कर आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएंगे। लास्ट जो दोनों टीम के बीच में मैच हुआ था, फर्स्ट मैच तो अल्ट्रा मेगा क्लीन स्वीप पर रहा था अप टू मिनीचेयर, और सेकंड मैच भी प्रॉफिटेबल रहा था। तो टेलीग्राम चैनल पर रहिए, आपको सारे अपडेट मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। बात करेंगे आज के मैचेस के बारे में, और जो फाइनल टीम है उनकी टीम है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दे दूंगा, और मोस्टली वही फाइनल टीम रहेंगी क्योंकि लाइनअप में कोई चेंजेस होने के चांसेस बहुत कम है। तो वीडियो पूरा देखना, वीडियो वाली जो टीम रहेंगी वो फाइनल रहेंगे, अगर वही टीम फाइनल रहती तो टेलीग्राम चैनल पर मैं फिर टीम नहीं दूंगा क्योंकि क्लैशेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। बात करेंगे आज के मैचेस के बारे में, दोनों टीम के बीच में अगर बात करें तो ये सेमीफाइनल का मैच खेला जाने वाला है। दोनों टीम के बीच में 5 मैचेस खेले जाने वाले, बेस्ट ऑफ 5 में से जो 3 मैच विन करेगा वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा। और फाइनल किसके साथ होगा, मिनेसोटा और कनेक्टिकट, इन दोनों में से जो टीम 3 मैच विन करेंगी वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। उसके साथ इन दोनों टीम के बीच में से जो विनर रहेंगी उनका मैच यहाँ पर होगा। तो सीधा सीधा मतलब ये है कि यहाँ पर 3 मैच विन करने फाइनल के लिए, फर्स्ट मैच ऑलरेडी हो चुका है और फर्स्ट मैच न्यूयॉर्क ने विन किया है। और इस सीज़न में जो पिछले 4 हेड टू हेड मैचेस है दोनों टीम के बीच में जो खेले गए, चारों मैचेस न्यूयॉर्क ने विन किया है। तो न्यूयॉर्क आज के मैचेस के लिए भी एक प्रोबेबली स्ट्रॉन्ग टीम है जो आज का मैच विन कर सकती है। लॉस वेगस साइज बहुत अच्छी टीम है, लेकिन इस टीम के अगेंस्ट इस सीज़न में बहुत ज़्यादा वीक रहे, एक भी मैच विन कर नहीं पाई। तो आज के मैचेस के लिए भी यहाँ पर न्यूयॉर्क से थोड़ी सी जो पॉसिबिलिटी रहेंगे वो हायर साइड रहेंगे विनिंग के लिए। अगर लाइनअप के बारे में बात करें तो लॉस वेगस की तरफ से सेम लाइनअप आपको देखने को मिलेंगे, केसली प्लम स्टार्ट करेंगे पॉइंट गार्ड, शूटिंग गार्ड पोजिशन से स्टार्ट करते हुए देखने को मिलेंगे चल्स अग्रे, जॉकियोंग स्टार्ट करेंगे स्मॉल फॉरवर्ड, पावर फॉरवर्ड पोजिशन से स्टार्ट करते हुए आपको देखने को मिलेंगी एजे विलियमसन, और सेंटर पोजीशन से आपको स्टार्ट करते हुए देखने को मिलेंगे स्टोक्स। ये इस टीम की तरफ से स्टार्टिंग लाइनअप रहेंगी। टीम की जो मेन प्लेयर है वो है एजे विलियमसन, और आज के मैचेस के लिए भी यहाँ पर एसपी चॉइस के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर रहेंगी। इसलिए यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग प्लेयर रहेंगी क्योंकि दोनों टीम में अगर कंपेरिजन करें तो दोनों टीम में से एक तो एक एकदम बेस्ट प्लेयर है, और इस टीम ये जो टीम है लॉस वेगस की, ये एजे विलियमसन पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, और इनका परफॉर्मेंस भी आया है। तो क्रेडिट थोड़े से हायर साइड पर है, लेकिन प्लेयर इतनी इंपॉर्टेंट है कि एक मोस्टली यहाँ पर हर एक मैचेस में 40+ पे यहाँ पर फंटासी पॉइंट देकर चले जाते हैं, और आप इनसे एक्सपेक्ट करना 50+ पॉइंट भी यहाँ पर ये इजीली दे देंगे। तो इसके चलते यहाँ पर इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जो कंटिन्यूसली रेगुलरली अपने टीम में परफॉर्मेंस आया है वो आया है केसली प्लम की तरफ से। तीन दोनों प्लेयर पर ये जो टीम है ऑफेंस इस टीम का पूरा डिपेंडेंट है। चल्सा ग्रे की तरफ से परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है रिसेंटली मैचेस में, लेकिन इनके क्रेडिट इन्होंने बढ़ा दिया, तो थोड़ा सा आप इनको टीम में रखना और इसकी साइड पर रहेंगे क्योंकि इनके क्रेडिट भी आए। जॉकी योंग भी एक ऐसी प्लेयर है जिन्हें यहाँ पर आप ग्रैंड लीग के लिए फोकस रख लेना, ये दोनों प्लेयर ग्रैंड लीग के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। स्टोक्स लास्ट मैचेस में तो खेले लेकिन परफॉर्मेंस इतना अच्छा आया नहीं है क्योंकि यहाँ पर सामने वाली टीम जो तो ऑफेंसिवली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और स्टोक्स जो थे यहाँ पर डिफेंस अच्छा कर लेते हैं, ऑफेंस इनका इतना अच्छा स्ट्रांग नहीं है, यानी इनकी शूटिंग इतनी अच्छी स्ट्रांग नहीं है। तो इनकी जगह पर लास्ट मैचेस में जो क्लार्क आई थी एज ए सब्स्टिट्यूट प्लेयर, इनकी तरफ से परफॉर्मेंस आया था, या फिर टिपनी हाइज भी यहाँ पर इनकी जगह पर ये यूज़ कर सकते हैं एज ए सब्स्टिट्यूट प्लेयर, तो इनके भी तरफ से भी आज के मैचेस में आपको परफॉर्मेंस आता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन टिफनी हाइज की तरफ भी अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो इनके भी क्रेडिट बहुत ज़्यादा है जो कि बैन से खेलेंगे, ऑलमोस्ट यहाँ पर ये 13.5 क्रेडिट के प्लेयर है। तो क्लार्क बहुत अच्छी प्लेयर है, लास्ट मैचेस में भी इनको यहाँ पर हमने पिक किया था और इन्हीं के वजह से एक अच्छा खासा क्लीन स्वीप रहा था क्योंकि इनका लास्ट मैचेस में सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम था। तो स्टार्टिंग लाइनअप में जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो मैंने आपको बता दिया। ग्रैंड लीग के लिए दो सजेशन मेरी रहेंगी, जॉकी योंग और चल्सा ग्रे, इन दोनों के यहाँ पर ग्रैंड लीग के लिए ट्राई कर लेना। अगर हो सके तो टिफनी हाइज के साथ भी आप ग्रैंड लीग के लिए जा सकते हो। बैन से यहाँ पर ज़्यादा प्लेयर को यूज़ किया नहीं जाएगा, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट होंगे नहीं क्योंकि इंपॉर्टेंट मैच है, तो कुछ ही प्लेयर रहेंगे जिनको टाइम मिलेगा। इन दोनों प्लेयर को लास्ट मैचेस में टाइम मिला और लास्ट के कुछ मिनट यहाँ पर स्टेफनी कोलिन को भी मिले थे, जहाँ पर 3 असिस्ट और 1 स्टील के चलते एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस आया था। तो ये भी आपको एज ए क्रेडिट और प्लेयर मिलेंगे, लेकिन ज़्यादा टाइम इनको मिलेगा नहीं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सेकंड साइड के लिए अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो न्यूयॉर्क की तरफ से भी आपको सेम स्टार्टिंग लाइनअप देखने को मिलेंगी जो कि लास्ट मैचेस में रही थी। सबरीना लुसेंस इस टीम की तरफ से शूटिंग गार्ड पोजीशन से स्टार्ट करेंगी, और उसके बाद स्टीवर फिविच, जंकिल जॉन्स और बेंजेलेनी, ये प्लेयर है जो कि यहाँ पर आज के मैचेस के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे।
अगर ओवरऑल अगर टीम की तरफ से स्टार्टिंग लाइनअप देखेंगे तो सभी प्लेयर ऑलमोस्ट यहाँ पर स्टार प्लेयर है। जोंक्विल जानोस हुए, स्टीवर्ट हुए, या फिर सबरीना लुसन से बेंजल ने अभी तक परफॉर्मेंस आया नहीं है, लेकिन ये प्लेयर ऐसे जो यहाँ पर ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देती है और आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए सबसे अच्छी चॉइस रहेंगी। स्मॉल लीग के लिए जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर है, एक तो स्टीवर्ट टीम की मेन प्लेयर है, पॉइंट रिबाउंड असिस्ट तीनों सेक्शन से परफॉर्मेंस निकालती है, उसके चलते यहाँ पर एक सेफ साइड प्लेयर हो जाएंगी जहाँ पर आप इनको वाइस कैप्टन बना देना। सबरीना लुसन को टीम में रखना है क्योंकि रेगुलरली परफॉर्मेंस आया, असिस्ट थोड़े से लास्ट मैचेस में कम आए थे, लेकिन नो डाउट इनकी शूटिंग बहुत अच्छी रही थी, तो यहाँ पर इन्होंने शूटिंग से कवर करवा ही लिया था। बाकी इस प्लेयर की तरफ से असिस्ट शायद और अच्छे आने चाहिए जो कि आज के मैचेस में आपको देखने को भी मिल सकते हैं। ये दोनों प्लेयर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जोंक्विल जोनस इंपॉर्टेंट है, 17.5 क्रेडिट के प्लेयर है, रिबाउंड और पॉइंट दोनों साइड से यहाँ पर अच्छी खासी शूट कर लेते हैं और ब्लॉक भी बहुत अच्छे निकलती है। ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट प्लेयर रहेंगे जिन्हें आप यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन से चॉइस में भी रख सकते हो, तो ग्रैंड लीग के लिए इनको ट्राई कर लेना। ड्यू टू क्रेडिट इशू यहाँ पर मैंने जोंक्विल जोनस और फिविस दोनों को ड्रॉप किया है। दोनों अच्छे प्लेयर है लेकिन दोनों को मैं पिक नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि क्रेडिट इशू बहुत ज़्यादा है। और सेकंड साइड ले मैंने ब्रियाना स्टीवर और सबरीना लुसेंस, इन दोनों स्टार प्लेयर को अपने टीम में रखा है। टीम की तरफ से अगर बैंस स्ट्रेंथ में जाएंगे तो विंटर्स लूट एक अच्छी प्लेयर है जो कि रेगुलरली परफॉर्मेंस देकर आ रही है। थॉर्नटन उसके बाद सेकंड बेस्ट प्लेयर है जो अभी तक परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन सेकंड बेस्ट प्लेयर की तरफ से आइए सैबली, लेकिन थ्रांटन थोड़े से इंपॉर्टेंस इनको इस प्लेयर को है क्योंकि सामने वाले टीम के सामने इनका डिफेंस अच्छा चलता है, हेड टू हेड मैचेस के भी परफॉर्मेंस अच्छे है। सैबली ने अच्छा किया लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट मैचेस रहे उस टाइम में यहाँ पर सैबली को थोड़ा सा कम टाइम मिला, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक्सपीरियंस प्लेयर जो थे यहाँ पर थ्रांटन और विंटर्स लुटे, इन दोनों पर फोकस रख लेना, इनको बैंक से अच्छा टाइम मिलेगा। सैबली जो है कि एज ए क्रेडिट सेवर आप चाहो तो इनको ट्राई कर सकते हो। लास्ट मैचेस का जो परफॉर्मेंस रहा था, 5 मिनट खेलकर 2.2 रिबाउंड और 1 स्टील के चलते एक डिसेंट सा परफॉर्मेंस इनकी तरफ से आया था। और एक प्लेयर है केंद्रीय बर्ग जिनको लास्ट मैचेस में टाइम मिला था, तो इनको थोड़ा सा यहाँ पर चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन रिस्की प्लेयर रहेगी, ज़्यादा इनको इंपॉर्टेंस दूंगा नहीं, अगर चाहो तो आप इनको ट्राई कर लेना। ओवरऑल जो मेरी एक डेमो ड्रीम इलेवन टीम रहेंगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है पॉइंट गार्ड पोजीशन से केसली प्लम रेगुलरली परफॉर्मेंस देकर आ रही है, सबरीना लुसेंस का रेगुलरली परफॉर्मेंस आया, उसके बाद दोनों टीम की तरफ से जो मेन प्लेयर है न्यूयॉर्क की तरफ से स्टीवर्ट और लॉस वेगस की तरफ से एजे विलियमसन जो कि कैप्टन वाइस कैप्टन से चॉइस के लिए अच्छी प्लेयर है, उनको मैंने अपने टीम में रखा है। स्टोक्स एज अ स्टार्टर के लिए थे लास्ट मैचेस में, परफॉर्मेंस आ नहीं पाया था लेकिन इंपॉर्टेंट प्लेयर है, स्टार्ट करेंगे और डिफेंस के चलते कुछ रिबाउंड भी देखकर चली गई तो बहुत अच्छा हमारे लिए रहेगा और फंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे खासे पॉइंट भी यहाँ पर देखकर चले जाएंगे। अलीसा कराक 5.5 क्रेडिट की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर जो कि लास्ट मैचेस में भी मुझे लगी थी और आज के मैचेस में भी लग रहे हैं। स्मॉल फॉरवर्ड पोजीशन ड्यू टू क्रेडिट टू शो एज अ क्रेडिट सेवर यहाँ पर मैं सैबली के साथ जा रहा हूँ और बचेंगे जो फाइव क्रेडिट में दो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, एक तो केंद्रीय बर्ग को ट्राई कर लेना या फिर स्टेफनी कॉलोनी को ट्राई कर लेना। फिर और कोल्सन के साथ यहाँ पर मैं गया हूँ क्योंकि यहाँ पर कोल्सन रेगुलरली यहाँ पर प्लेऑफ के जो सेमीफाइनल के मैच थे या फिर क्वालिफायर मैच थे वहाँ पर एक अच्छा खासा टाइम खेल कर चली गई है या बैंक से कुछ ना कुछ मिनट यहाँ पर इनको मिला है। और सेकंड साइड ले जो और एक पिक आपको मिलेंगे केंद्रीय बर्ग, इनके यहाँ पर रेगुलरली टाइम नहीं मिला है तो थोड़ा सा रिस्की साइड रहेगा, यही रीज़न है कि यहाँ पर मैंने अपने टीम में स्टीफनी कोल्सन को यहाँ पर रखना है। बाकी ओवरऑल अगर यहाँ पर आप टीम प्रीव्यू देखेंगे तो स्टीवर्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है, एजी विलियमसन इंपॉर्टेंट प्लेयर है, सबरीना लुसेंस हो, केसली प्लम, ये जो चारों प्लेयर है रेगुलरली परफॉर्मेंस देकर आ रहे हैं। बाकी यहाँ पर जो चार प्लेयर मैंने अपने टीम में रखा है वो रखे एज अ क्रेडिट और एक तो यहाँ पर स्टोक्स एज अ स्टार्टर खेलेंगे, क्लार्क एज ए यहाँ पर खेलेंगे बैच प्लेयर लेकिन सबके पास रहेंगे, तो इन दोनों प्लेयर की दिक्कतें नहीं, बस दिक्कतें जो है तो वहाँ पर उस सैबली और कोल्सन इन दोनों की है। अगर इन दोनों को ड्रॉप करना है तो इन चार में से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है इनमें से किसी एक को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की रहेगा। एजी विलियमसन को तो आप ड्रॉप नहीं कर सकते हो, सबरीना लुसेंस से रेगुलरली परफॉर्मेंस देकर आ रहे, प्लम का पिछले दोनों मैचेस में परफॉर्मेंस आया, स्टीवर्ट हमेशा से टॉप परफॉर्मेंस रही है अपने टीम के लिए, तो चारों में से किसी एक पर भी रिस्क लेना मुझे थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है। जो कि कैलकुलेशन जो कहती है यही कहती है कि यहाँ पर एजी विलियमसन स्टीवर्ट कैप्टन वाइस कैप्टन रहेंगे, सबरीना लुसेंस ग्रैंड लीग के लिए आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन से चॉइस पिक रहेंगे। ओवरऑल जो टीम प्रीव्यू है यही टीम लास्ट मैचेस में भी रही थी और यही टीम आज के मैचेस के लिए भी रहेंगी, लास्ट मैचेस में अच्छी खासी विनिंग आई थी, आई होप आज के मैचेस में भी कुछ ना कुछ अच्छा यहाँ पर ये टीम कर चले जाएंगे। फिलहाल टीम सेव कर रख लेना, जो चेंजेस है उसके चांसेस तो बहुत कम है लेकिन अगर कोई लाइनअप में चेंजेस हुए तो फाइनल अपडेट में आपको वैसे भी टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। अगर यहाँ पर लाइनअप में कोई भी चेंजेस नहीं हुए तो सेम टीम फाइनल रहेंगे और फाइनल टीम में टेलीग्राम चैनल पर दूंगा नहीं क्योंकि यहाँ पर क्लैशेस होने के भी चांसेस रहते हैं, तो टीम सेव कर रख लेना, फाइनल अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। होप गाइज यू हैव टू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू हैव देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।